देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्मार्ट सिटी योजना को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें आगरा को भी स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर नाम शामिल किया गया था। लेकिन आगरा में स्मार्ट सिटी के नाम पर जमकर पैसे की बर्बादी की गई, करोड़ों के खरीदे गए सामान अब कबाड़ हो रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। आगरा को स्मार्ट सिटी में शामिल करने पर ताजनगरी वासियों ने पीएम का धन्यवाद दिया तो सपने भी स्मार्ट होने लगे। लेकिन आगरा में पीएम मोदी के इसी ड्रीम प्रोजेक्ट को चंद अधिकारियों ने मोटी कमाई का जरिया बना लिया। स्मार्ट सिटी के नाम पर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर 3.5 लाख बार कोड टैग और 1968 स्कैनर करीब 9,55,00,000 के खरीदे गए, जिसमें टैग की कीमत 111 रुपये और स्कैनर की कीमत करीब 28,000 रुपये थी। जिसके बाद आगरा के 100 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और उसकी निगरानी को टैग और स्कैनर लगाए गए। लेकिन अब ये सभी टैग कहीं शोपीस बने हैं तो मशीनों का कुछ अता पता नहीं। इस बारे में जब लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि ये स्टिकर जैसी चीज तो लगाई गई है, उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी तो आती है लेकिन किसी को कुछ स्कैन करने नहीं देती। इस पूरे मामले पर जब सीईओ स्मार्ट सिटी निखिल फुंडे ने बात की तो उनका कहना था कि कोरोना के चलते कंपनी को हटाने के कारण डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन बंद था, इसलिए स्कैन नहीं हो रहे थे। लेकिन अब नई कंपनी को हायर किया गया है, जल्द ही मशीनें उनके कर्मचारियों को मुहैया कराई जाएंगी। देखिए यहाँ पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत प्रोजेक्ट है, कॉस्ट तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, परंतु उसमें शहर भर में लगभग 3.5 लाख क्यूआर कोड लगाए जा रहे थे और ये क्यूआर कोड कंपनी को लगाने के बाद इसको स्कैन करने की मशीन से स्कैन करते हुए यहाँ पर अटेंडेंस और दूसरा डोर टू डोर कलेक्शन की रिपोर्ट आती थी। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें चूँकि डोर टू डोर का यहाँ कार्यक्रम बीच में बंद हो गया था तो लगभग 1.5 साल तक ये प्रोसीजर जो है वो बंद हो गई थी। अब उसके बाद पुनः जब से हम लोगों ने नए डोर टू डोर एजेंसी को यहाँ लाया हुआ है तो हम लोगों ने इसकी कार्यवाही फिर से शुरू की है। जो कंपनी है वो निःशुल्क हमको क्यूआर कोड लगाकर दे रही है और जो स्कैनिंग की कार्यवाही है वो भी हम लोगों ने ताजगंज के जोन में भी शुरू कर दी है और आने वाले समय में चूँकि अभी एजेंसी नहीं आई है डोर टू डोर की तो उनको भी स्कैनर और बारकोड और क्यूआर कोड जो है वो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो आने वाले समय में जो भी घर से कूड़ा उठाया जाएगा उन घरों से स्कैन करते हुए बारकोड और क्यूआर कोड को यहाँ पर रिपोर्ट IEEE में सीधी देखी जा सकेगी। गाड़ी तो डेली आती है बट कूड़ा वूड़ा तो लेती है वो कुछ घरों से, पर जो स्कैनिंग का जो प्रोसेस है उनका वो नहीं होता, उनका तो मतलब स्कैनिंग कुछ नहीं, केवल गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से सीधी डोर टू डोर कूड़ा किसी से उठाती नहीं है घर से कहीं से। जब से लगे अभी तो कोई अधिकारी नहीं, अभी तक तो कोई चेकिंग वेकिंग कुछ हुई नहीं, जो लगा करके गए थे अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी कोई स्कैनिंग के लिए कोई नहीं आया, किसी तरीके के कोई स्कैन करने के लिए कोई नहीं आया अभी। हाँ यहाँ पर नगर निगम की एक गाड़ी जरूर आती है, वो चली जाती है, लेकिन कूड़ा वूड़ा जो डालना लेना होता है गीला कूड़ा अलग सुबह कूड़ा अलग, लेकिन स्कैन करने के लिए कोई नहीं आया, पता नहीं किसे लगाए गए बारकोड समझ नहीं आ रहा। जानकारी है इसके बारे में? इसके बारे में कोई जानकारी पता ही नहीं है, बस एक स्टिकर टाइप कुछ लगा दिया गया है, कोई पता नहीं है किस लिए लगाया है, क्या है, क्या प्रोसीजर है, कुछ नहीं। कुछ तो कुछ लोगों के दरवाजे पर लगे हुए, कुछ लोगों को है नहीं, क्या लगे हैं तो नहीं लगे हैं तो मतलब तो जिनके लगे हैं उनको ये नहीं मालूम क्यों लगाए गए, जिनके लगे हैं उनको ये नहीं पता कि क्यों लगाए गए। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter, Instagram पेज को भी फॉलो करें।